हेलो फ्रेंड्स, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी अनुसंधान संस्थान के बारे में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के 95% एग्जाम में किसी न किसी अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी अनुसंधान संस्थान है उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, निम्न में से बताइए राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा एक ही जिले में एक से ज्यादा भी अनुसंधान संस्थान है, तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स, गाजियाबाद में एक और अनुसंधान संस्थान है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स, सहारनपुर में स्थित है। आप उत्तर प्रदेश का मैप ले लीजिए और वहां पे आप सहारनपुर की स्थिति को देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी फ्रेंड्स लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स, ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स, ये भी लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी रिसर्च फ्रेंड्स, ये भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स, ये लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो फ्रेंड्स, ये भी लखनऊ में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लखनऊ में कितने सारे जो है रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए जेके कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। आंसर फ्रेंड्स डी है, जेके कैंसर संस्थान जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में स्थित है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए, ये सभी एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं, ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, इंडियन लेदर डाइंग एंड शू इंस्टीट्यूट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, ये सभी फ्रेंड्स कानपुर में स्थित है। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स वो लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स ये कानपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इन दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स, ये SSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए बीपी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है, बीपी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, ये भी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान फ्रेंड्स, ये भी नोएडा में स्थित है। दोस्तों, वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए बकरियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। दोस्तों, बकरियों की बात हो रही है, यह उत्तर प्रदेश में एक ही जगह पर स्थित है। आंसर बी है, मथुरा में। और दोस्तों, यह रेलवे के भी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। आंसर सी है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है। इनफैक्ट फ्रेंड्स ये SSC रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। आंसर इसका ए है, बरेली में। और फ्रेंड्स कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है बरेली ना दिया गया हो, तो आंसर होगा इसका इज्जत नगर। तो दोस्तों आप ये दोनों ही याद कर लीजिए, बरेली में इज्जत नगर एक जगह है, वहां पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भी बरेली इज्जत नगर में स्थित है। और दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी है, भारतीय घास भूमि और चारा अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड्स झांसी में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आंसर इसका सी है, यह महोबा में स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों महोबा जो है किस जो व्यक्ति से संबंधित है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए केंद्रीय अंतरदेशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, केंद्रीय अंतरदेशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स प्रयागराज में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी फ्रेंड्स प्रयागराज में ही स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो UP SSC का हो, UPSC का हो या UPPSC का हो, सभी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आंसर ए है, वाराणसी। यह जो है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये भी फ्रेंड्स जो है वाराणसी में स्थित है। दोस्तों आप इन सभी अनुसंधान संस्थानों को एक बार इंग्लिश में भी पढ़िएगा, जिससे आपको इजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, संत रविदास नगर। यह संत रविदास नगर में स्थित है। कुछ लोग इसको भदोही भी मानते हैं, क्योंकि भदोही में कालीन का काम होता है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए केंद्रीय कुष्ठ संस्थान उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, केंद्रीय कुष्ठ संस्थान उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। तो दोस्तों ये 32 रिसर्च इंस्टीट्यूट थे जो कि एग्जाम में सेम कई बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया था। दोस्तों इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की GK देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक UP GK के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए।